मुझे अपने आप को रिवर्स करने दो या मुझे अपने आप को रिपेयर करने दो क्योंकि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो खुद से रीजनरेट कर सकता है खुद को बट आप तब भी नहीं रुक रहे हैं तो पेशेंट आए मेरे पास फाइब्रोसिस की रिपोर्ट लेके और उनके पास के था उनका समवेयर अराउंड ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन पे लाई कर रहा था अलग अलग रिपोर्ट्स थे तो हमने उन्हें बोला और उनका जो था वो एल्कोहलिक डैमेज था राइट तो एल्कोहल आपको छोड़ना पड़ेगा तभी हम रिवर इसकी और डैमेज को रोक पाएंगे सिरोसिस में जाने से रोक पाएंगे और फिर इसको रिपेयर करेंगे टूवर्ड्स दी नॉर्मल बट वो आते हैं मेरे पास और उन्होंने मुझे बोला कि मैम ये तो नहीं हो पाएगा अच्छा राइट तो अंडर एटेड ही है ना सर नहीं हो पाएगा तो मैंने बोला कि ऐसे तो मैं ट्रीटमेंट दूंगी नहीं आप लेके भी मत जाना रिजल्ट आएंगे नहीं ना मेरा खराब होगा और असर आपको आएगा नहीं और मैं नहीं चाहती कि मैं आपको मेरे हाथ से आपका केस ख़राब हो तो आप लेके ही मत जाओ दवा मैं दूंगी नहीं तो थोड़ा सा वो अग्रेसिव हुए कि मैम ये कैसे बोल सकते हो आप हम जब दवा लेने आए हैं तो मैंने सिंपली बोला देखो आप मेरे पास दवा लेने आए हो तो आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा मेरे हिसाब से चल सकते हैं तो आप ट्रीटमेंट कराइए नहीं चल सकते हैं तो बहुत डॉक्टर्स हैं आप कहीं भी चले जाइए तो उनका सीधा हो गया देन आधा घंटा शायद बीस पच्चीस मिनट वो बाहर बात करके आए अपनी फैमिली उनके साथ में थी कुछ कुछ डिस्कशन करके आए एंड देन अगेन ही केम टू माई केबिन एंड सिट की ठीक है मैम कोशिश करेंगे और छोड़ना मतलब छोड़ सकते हैं ऐसा नहीं है कि हम रह नहीं सकते या जी नहीं सकते तो अंडरेटेड है सर मेरे हिसाब से लिवर हमें लगता है कुछ भी करते रहो कुछ होगा नहीं हाँ काम तो चल ही रहा है कुछ होगा नहीं और जब एकदम से लिवर हैंड्स डाउन कर देता है तो वो अपने साथ साथ किडनी को भी इन्वॉल्व कर लेता है लंग्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है एंड सीधा हार्ट अटैक आता है अच्छा या, क्योंकि जो आपका पोटाशियम है वो बढ़ जाता है क्योंकि वो बाहर नहीं जा रहा इलेक्ट्रोलाइट uh, इम्बैलेंस चल रहा है पोटेशियम हाई होते ही आपको हार्ट अटैक आ जाता है अच्छा। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि पेशेंट को फील होती हैं कि अल्कोहली पीना है लिवर को ठीक नहीं करना है डाइट फॉलो नहीं करना है छोले भटूरे खाना है बट उन्हें ये नहीं पता कि अल्टीमेटली पचाने वाला लिवर ही है जब लिवर ही काम नहीं कर रहा है तो आप अंदर डाल के क्या करोगे सिर्फ टंग के स्वाद के लिए आप खा रहे हो तो वो स्वाद भी मुझे लगता है यूज़लेस है ना एंड लिवर ऑल्सो अंडर रेटेड भी है बट बहुत ईजिली रिकवरेबल है hmm. अगर आप चाहें तो अपने थोड़े से रूटीन से आप अपने लिवर को रिवर्स कर सकते हैं राइट right. मैंने मैंने सुना सुना था उसको आधा पता नहीं ऐसा गार्ड भी भी दो तो भी वो कर exactly सकता है अपने है, आपको। क्योंकि ट्रांसप्लांट में पूरा लिवर ट्रांसप्लांट नहीं होता है हाँ. जो डोनर है उसका कुछ ही पार्ट लगाया जाता है ओके okay. और वो खुद से ग्रो कर जाता है तो अपने आप में बहुत स्ट्रांग ऑर्गन भी है और बहुत अंडर भी है क्योंकि हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारी जान पे बात आ जाएगी बट जब लिवर जवाब दे देता है जब हम नहीं समझते हैं तो जान बचानी मुश्किल हो जाती है तो अगर ऐसा लोग लिवर का प्रॉब्लम होता है तो यूजुअली क्या सिम्टम्स दिखते हैं सर सबसे पहले तो अगर फैटी लीवर है नॉर्मल तो वेट गेन मिलेगा एक उनका जो तो निकलना शुरू हो जाता है सेंट्रिक वेट जिसे हम बोलते हैं वो बढ़ जाता है राइट आ, फटीग हो जाते हैं वो लोग जल्दी थकान है मतलब बहुत ही ज़्यादा इरीटेबल हो रहे हैं या फिर एक्सट्रीम लेवल पर उनको जॉन्डिस मिल जाता है उनका बिलीविन लेवल बढ़ा होता है एस डी ओ टी एस डी पी टी बड़ा होता है देन ये जब प्रोग्रेस होता रहता है तो एन स्टेज पे ऑब्वियसली जैसे पेट में पानी भरना जो उल्टी हो रही है वो भी खून की हो रही है जो स्टूल पास हो रहा है वो भी खून का हो रहा है क्योंकि वायरसिस है पोर्टल हाइपर टेंशन है राइट या फिर पेशेंट कोमा में चले गए हैं या पेशेंट कॉन्शियस नहीं हो पा रहे हैं या पूरी बॉडी में सूजन दिख रही है इचिंग है स्किन में भी डलनेस आ रहा है ब्लैकनेस हो रहा है तो ये सारी चीज़ें आपको लीवर में देखने को मिल जाती है एंड ऑल्सो जो पिगमेंटेशन है जो पिगमेंटेशन आप समझते हैं फेस पे काले काले धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं जो फेस पे फ्रेकल्स जैसा दिखना शुरू हो जाता है आपने फीमेल्स में भी देखा होगा जो मेल फीमेल्स में पिगमेंटेशन दिखती है वो अगर हम लिवर पे काम करें लिवर को डिटॉक्स करते रहें और फैटी ना होने दें तो ये क्लियर होना शुरू हो जाता है अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार जाके देखो डिटेल में चीजों को समझो तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से आप अपनी जिंदगी में चीजें अप्लाई कर पाओगे थैंक सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल